श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल जा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। हा महावीरा कैसेट के सुनने वाले मेरे श्रोता प्रेमियों, आज मैं महावीरा कैसेट के द्वारा आप लोगों तक ये रावण वध की कथा रखने जा रहा हूं। मुझको ये परम विश्वास है कि जिस प्रकार से आज तक आप लोगों ने मेरी टूटी फूटी वाणी को अपने हृदय से लगा करके और मेरे उत्साह को हमेशा बढ़ाया है, आज भी ये मुझे परम विश्वास है कि ये रावण वध की जो कथा है, जो भी माँ सरस्वती मुझे ज्ञान दे रही हैं, तो मैं अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे परम विश्वास है कि आप लोग मेरी आशाओं को हमेशा सफल बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो आओ श्रोता प्रेमियों, महावीरा कैसेट के द्वारा हम आपको ये रावण वध की कथा सुनावें। उससे पहले कुछ राम नाम की धुन हो जाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित तपावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित तपावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे राजा राम, पतित पावन सी।
कौशल्या के प्यार राम, दशरथ जनक दुलारे राम, कौशल्या के प्यार राम, दशरथ जनक दुलारे राम, कौशल्या के प्यार राम, दशरथ जनक दुलारे राघव राजा राम, पति पितृ पावन सीता राजा राम, पतित पावन सीता राम, बोलो बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। भगवान की जय। हाँ तो महावीरा कैसेट के सुनने वाले हमारे श्रोता प्रेमियों, कुंभकर्ण मेघनाद इत्यादि बड़े बड़े वीर योद्धा युद्ध के मैदान में मारे जा चुके हैं। अब जब रावण का समस्त परिवार रामादल से युद्ध करते करते समाप्त हो चुका है, अरे रावण का भाइयों कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था, लेकिन आज वो अधर्म पर चलने वाला दशकंधार अपने सारे वंश को ले डूबा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रावण के खानदान के बारे में, कितना लंबा चौड़ा परिवार था रावण का, एक लख पूत सवा लख नाती, चलने पर रावण का क्या हुआ, एक लख पूत सवा लख नाती, मगर इनके घर मा दिया न बाती, समाप्त हो गया। मेरे श्रोता प्रेमियों,
कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। अब मजबूर था, जब सारा समाप्त हो गया है उसका परिवार, तो अब तो स्वतः उससे लड़ने के लिए जाना ही था। अब खुद लड़ने के अलावा चारा ही क्या था। खुद लड़ने के लिए दशकंधर, वो दशानन, वो रावण तैयार हो गया है। किससे? रामा दल से। अपने सारे दल बल को बुलाता है और बुलाने के पश्चात अपने मंत्रियों को भी इकट्ठा करता है और कहने लगा कि ऐ मेरे साथियों, अभी तक जो युद्ध हुआ है उसमें हमारा कितना नुकसान हुआ है, कैसे कैसे वीर योद्धा मारे गए हैं, ये बात तो आप लोगों से छिपी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे बताता हूं कि जब तक हम लोग राम की सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारे लिए मां का दूध हराम है, हमारा जीना बेकार है। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आती है मेरे लंका वालों, ऐ मेरे लंका के जवानों, ऐ मेरे वीरों, ऐ मेरे देश के साहसी नवयुवकों, मुझे बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लंका वाले किस प्रकार से उन वानरों से युद्ध कर रहे हैं जो कि रात दिन पराजित होते जाते हैं। अरे मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, संधि तो बाद में जाएगी, लेकिन पहले लंका की स्वतंत्रता तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। और जिस देश की स्वतंत्रता चली गई, जो देश पराधीन हो गया, उस देशवासियों का क्या हाल होगा। इसलिए मेरा कहना मानो, ऐ मेरे जवानों, ऐ मेरे वीरों, हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। जाएगा संधि पत्र, पहले स्वतंत्रता जाएगी। फिर हानि चुकाने की विपदा, फिर हानि चुकाने अरे मेरे साथियों जरा मेरी बात ध्यान देकर सुनो, फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी। सोने की लंका सोने से बियो सुनी हो जाएगी। इसलिए मेरे वीरो, इस समय मेरा केवल एक विचार है, क्या कि घोर घमासान युद्ध फैला दो, दिखा दो उन वानरों को, दिखा दो उन तपस्वी बच्चों को कि हम दैत्य वंश में कितनी हिम्मत है और कितनी ताकत है और हम कितनी वीरता रखते हैं। खांडे पर से तोमर मुगदर, सरधनुआ भाले ले लो तुम, से तो मर मुगदर सर धनुआ भाले ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे अब खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, क्या हो संभो, बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर।
जन्म भूम की आन बान कायम रखो अपने बल पर। और भी रो, मैं क्या कर रहा हूं जरा मेरी योजना सुनो। मैं भी साथ साथ धावा आंधी सा करना है, विजयी होकर अब जीना है या निर्भूम पर मरना है। और इस प्रकार से मेरे श्रोता प्रेमियों, जिस समय रावण अपनी सेना को जोश दिला करके और लड़ने के लिए रामा दल में जाता है, मारे जोश में तो सारी सेना भरी हुई थी, जा करके भैया घोर घमासान युद्ध आपस में होने लगा। इधर से दैत्य सेना, राक्षसीय सेना और उधर से वानरीय सेना आपस में भिड़ जाती है। लेकिन राम के वीर भी कोई मामूली नहीं थे। रामा दल ने भी आज वो वीरता दिखाई कि रावण की सेना के छक्के छूट गए। रावण ने देखा जब ही निज दल का ये हाल, तब तेवर तिरछे तने और तीरे तके कराल। वानर कटक तमाम कुहरे सा फटने लगा, भैया वानर कटक तमाम। रावण का क्रोध अपार बढ़ गया अपनी सेना का यह हाल देख करके। मारे उसने तीरों की बौछारों से वानर दल की सेना के छक्के छुटा दिए। जब अपनी सेना का हाल भैया देखा हमारे हनुमान जी ने, बजरंगबली जी ने, तो होता क्या है, बजरंगी ने जब अपनी सेना का हाल देखा तो उनके भी बड़ा क्रोध आ गया। तो देखा जब बजरंग ने क्या कि कपिदल है बेचैन, तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। जब महावीर बजरंगी ने अपनी सेना का हाल देखा तो मारे गुस्से से क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई। हो फिर बजरंगी तो भैया बजरंगी है ही है, जान तो क्या किया। सबसे पहला काम आप बजरंगी का सुनिए। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, अरे हनुमत के कर से छूट गया। निश्चर पति का रथ टूट गया। का
काहे है भैया आचरज में? क्या हनुमत के हाथों से फेंका, हनुमत के हाथों से फेंका पत्थर रखता इतना बल है। क्रोध आया तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पर्वत के समान बड़ा भारी पत्थर उठाया और अपने हाथ से उठा के जो मारा है रावण के रथ के ऊपर, तो भैया रावण का रथ चकनाचूर हो गया। ये हाल देखकर सन्नाटे में आ गया रावण। अरे वाह रे वानर, धन्य है मान गया रावण, कहा धन्य तुझे है किस, खुश है तेरी सख्त पार लंका पति दसी। मान गया ये लंका का रावण, तुझे मान गया तेरी शक्ति पर ये खुश हो गया। सुर असुर नाग नर यक्षों में भी मैंने इतनी साहस और इतनी शक्ति नहीं देखी जो रावण के रथ को तोड़ सके। ये बल मैंने न कभी देखा और न कभी सुना। आज ये जीवन में पहला अवसर है जो तूने मेरे रथ को तोड़ा है। ऐ वीर ऐ वाला वानर, ये दसकंधार तेरा जितना सम्मान करे उतना ही थोड़ा है। अरे कहा अंजनी लालनी, हे जग विजयी वीर, मैं वानर किस योग्य हूं जो कुछ है रघुवीर। हनुमान जी ने कहा भैया अरे ये हमारा कोई खेल नहीं है, ए दशानंद ए रावण ये मेरी तारीफ खामखा में क्यों करे डाल रहे हो, ये जो कुछ खेल है ये उन मायापति राम का ही है जिनकी महिमा से मैं सब कुछ करता हूं। ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। खेल खिलाते हैं जब ग्रीष्म बहुत गरमाता है तो बरसा ऋतु ले आते हैं। अच्छा 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 मैं समझ गया वानर, क्या समझ गया, रावण बोला मैं समझ गया ब्रह्मचर्य का ही बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि, यहाँ ही तुम में सच्चा बल है। मेरी एक इच्छा है, जान तो कौन सी इच्छा, कहा बताओ कहा सुनो। अच्छा अब मेरी इच्छा है कि तुम मेरे
साथी बन जाओ। अरे कोयले के बाजार में दलाली करने का विचार बना रहा है रावण कि अब मेरी इच्छा है यहाँ कि तुम मेरे साथी बन जाओ। मगर रण नायक की पद भी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। ऐसा है वानर, वास्तव में तुम वीर हो, इसलिए हमारी एक ये गुजारिश है तुमसे कि तुम हमारी सेना में आ जाओ। कहां उन तपस्वी बच्चों के पीछे पड़े हो, मेरी सेना में आओ। अरे मैं तुमको रणमंत्री बना दूंगा, रणमंत्री। हनुमान जी ने कहा, महाराज क्षमा करो, ये झूठी शान शौकत लेकर हम क्या करेंगे। कोरे गुमान की जो सूचक है, मिथ्याभिमान की जो सूचक है, अरे जो करनी करने वाले हैं वो कब कहते हैं कि हमने कुछ किया है। हम तो रण के सच्चे वीर हैं, रणवीर हैं, इसीलिए रण पर मरते हैं और रण के लिए ही जीते हैं। ये उत्तर सुन दस बदन लज्जित हुआ अपार, और पानी पानी हो गया जो था पानीदार। आज पानी पानी हो गया जब हनुमान जी ने साफ कह दिया, भैया हमको ऐसी पदवी नहीं चाहिए। अरे हम तो हम हैं, हमारे यहाँ का एक छोटा सा वानर भी ऐसे देश का रण मंत्री बनना पसंद नहीं करेगा जहां पर नारियां चुराई जाती। शर्मा गया बेचारा रावण, कहा अच्छा तुझे बड़ा घमंड है, तुझे बहुत बड़ा घमंड महसूस हो रहा है। अच्छा तो आ जा, ये लंका का रावण देखेगा तुझमें कितनी ताकत है। अच्छा देखूं तो बल तेरा, ये कहकर हनुमत से चिपट गया। रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। देख लूं कितनी तुझ में ताकत है, इतना कह करके वो हनुमान जी से चिपट गया। और उधर राम भक्त हनुमान भी आज रावण से भैया युद्ध करने लगे। कभी ताल ठोंकते हैं, कभी कुश्ती होती है, कभी कुछ होता है। आपस में दोनों वीर योद्धा भिड़े हुए हैं, लग रहा है जैसे दो पर्वत आपस में टकरा रहे हैं। झपट झपट झलझला झट और झूम झाम झकझोर, दांव पेच करने लगे दोनों दोनों ओर। भैया मामूली मोर्चा नहीं था, बड़ा कांटे का युद्ध हो रहा था, बड़ी कांटे की कुश्ती हो रही थी मेरे श्रोता प्रेमियों। दोनों ही बांके योद्धा थे और दोनों ही मल्ल गुमानी थे, दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अतिवर दानी थे। लड़ते लड़ते दोनों ही को 10 घंटे का अवसर बीता, और इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा कोई ना गिरा दिन भर बीता। 10 घंटे बीत गए, दिन गुजरने का समय आ गया, ना रावण ही हार रहा है और ना हनुमान ही हार रहे। भैया लड़ते लड़ते जब दोनों वीर थक गए, रावण बोला देख भाई वानर, मेरा तेरा फैसला ऐसे नहीं होगा। अब ऐसा कर, एक मुक्का तू मेरे मार ले और एक मुक्का मैं तेरे मार लू, बस मुक्के पर ही फैसला। हनुमान जी ने कहा ठीक भाई, लेकिन ये बताओ पहला मुक्का कौन मारेगा। रावण बड़ा चालाक था। हनुमान जी ने कहा भाई अच्छा तो पहला मुक्का कौन मारेगा। हनुमान ने जब कहा तो रावण कहने लगा तुम बताओ पहला मुक्का कौन मारेगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा है रावण,
पहला मुक्का तुम ही मार लियो। का ऐसा क्यों? का हो सकता है हम तुम्हारे पहले मुक्का मारें और तुम हमारा मुक्का खाते ही खन सियाराम जयराम हो जाओ, मर जाओ, तो तुम्हारे दिल में तमन्ना रह जाएगी कि हम मुक्का नहीं मार पाए, इसलिए पहले मुक्का तुम मार लो, बाद में मुक्का हम मारेंगे। रावण मारे खिसिया गया, कहा अच्छा संभल जा। हनुमान जी ने कहा संभल गए। तो रावण से बलवान का खाकर मुक्का एक, एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। रावण जैसा वीर था, चलत दसानन डोलत अवनी, जिस रावण के चलते ही धरती कांपने लगती थी, जिसके यहां मौत चारपाई से बंधी हुई थी, जिसके यहां पवन देवता झाड़ू लगाते थे, जब आंख ऊपर दिखा देता था तो वर्षा होने लगती थी, ऐसा रावण जब मारता है मुक्का हनुमान जी के, बस हनुमान जी ने क्या किया, एक हाथ जमीन पर टेक दिया और कुछ नहीं हुआ उनका। हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा है, तुम्हारा तो नंबर गायब हो गया, अब नंबर हमारा है, समझ जाओ रावण दसानन, अब होशियार हो जाओ, अब मुक्का हम मारेंगे। तेरा तो भाई कार सफल हो गया, मेरा मुक्का खा ले रावण। हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम बड़ा जोर से बोले और कस के क्रोध में एक मुक्का जब मारा रावण के, तो क्या हुआ बंधु, मुक्का मारा किसने कह जय जय रघुनाथ। तो मुक्का मारा किसने कह जय जय रघुनाथ। क्या हुआ मेरे श्रोता प्रेमियों, राक्षस मूर्छित हो गया भैया, घूम गए दस मात। मारा जब हनुमान जी ने मुक्का रावण के कसके, मुक्का लगते ही खन रावण के दसों सिर घूम गए और भैया मूर्छा आ गई, एक घंटे तक बेहोश पड़ा रहा, और जब होश आया आंख खुली, कहता है धन्य है वानर, अरे धन्य है तेरी माँ को धन्य है जिसने तुझको जन्म दिया है, जिसने तुझे अपनी कोख से पैदा किया है, उस माँ को धन्य है। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं, बदलित किया मैंने उनको जो मेरे सन्मुख आए हैं। बल से मेरे अधीन हुआ, धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ। अरे धन्य है वानर तुझको धन्य है, मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को पदलित कर दिया, जो मेरे सन्मुख आया वो हार कर गया, प्रत्येक वीर मेरे आगे साहसहीन हो गया, लेकिन धिक्कार है इस रावण को जो मुझ जैसे बलशाली को तूने एक मुक्के में बेहोश कर दिया, लानत है बार बार मुझ पर धिक्कार है। हनुमान जी सरल स्वभाव में कहने लगे, कपि बोले तुमको नहीं अरे मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा और खा मुक्के की मार। अरे हनुमान ने कहा रावण तुम्हें क्यों धिक्कार है, धिक्कार तो मुझ पर बार बार है कि मेरा मुक्का खाने के बाद भी तू जिंदा है, तू नहीं जानता मेरे मुक्के में कितनी दम है, मगर मुझे खुद लानत है कि मेरा मुक्का खाकर तू जिंदा बचा हुआ है। हनुमान जी जब कहने लगे तो रावण ने कहा बताओ भाई तुम्हारे मुक्के में कौन कौन विशेषता है,
हनुमान ने कहा सुन भाई मेरे मुक्के की विशेषता सुन, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत किस जाए बल में, और वह बल है मेरे मुक्के में। सुनते रहना श्रोता प्रेमियों, वह बल है मेरे मुक्के में। धरती धस जाए रसातल में, वारे नवीन हनुमान जी कहते हैं अफसोस है, है खेद वही मुक्का खा कर तू मेरे सन्मुख जीवित है, तू क्यों लज्जित है दस कंधर, है खेद वही मुक्का खा कर तू मेरे सन्मुख जीवित है, लज्जित है हे मिश्रा तू क्यों लज्जित है, ये नबीन तू क्यों लज्जित है दस कंधर, हनुमान स्वयं ही लज्जित है। आज जब ऐसा कहा कि तुम भैया काहे लज्जित हो, मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाते हैं, वो बल है मेरे मुक्के में कि धरती रसातल को चली जाती है, खेद है वही मुक्का खाकर तू जीवित है, तू काहे को लज्जित है भैया, लज्जित तो ये हनुमान खुद ही है। रावण कहने लगा अरे वानर व्यंग कसता है, अच्छा बात तो समय समाप्त हो गया लेकिन किसी दिन मैं तेरे घमंड को तोड़ दूंगा। इस प्रकार से उस दिन तो बंधुओं युद्ध बंद हो जाता है। दूसरे दिन रावण अपनी समस्त सेना को फिर जोश दिलाता है और कहता है मेरे प्यारे साथियों ये खिलवाड़ छोड़ दो, हुल्लड़पन को छोड़ दो और डटकर राम की सेना से मुकाबला करो, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, और रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए, रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए, रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए, हा 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 बचा, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका को बचाने के लिए, खंग का पानी है अब पीने पिलाने के लिए, पानी है अब पीने पिलाने के लिए, खंग का पानी है अब, खंग का पानी है अब पीने पिलाने के लिए, खंग का पानी है अब पीने पिलाने के लिए, पानी सागर है सिपाही के नहाने के लिए, पानी सागर है सिपाही के नहाने के लिए, रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए, रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए, झोंक दो अपने लंका को बचाने के लिए, झोंक दो अपने को लंका
भैया, रामालल के ऊपर राक्षसी सेना करती है। इस प्रकार से जब घोर घमासान युद्ध हुआ, भगवान राम की वानरी सेना घबरा कर भागने लगी, भगवान राम की दुहाई दे दे करके भागने लगी, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, अब हमारे प्राण संकट में हैं। देखा जब फटने लगा वानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। अरे भैया, भक्तों की आरत वाणी को सुनने वाले वो भक्त वत्सल भगवान कब रोक सकते थे? भक्तों, आज भक्तों की वाणी को जब सुना अपने वानर सेना को, तो प्रभु क्या करते हैं? भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहां। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहां। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहां। अपनी जिस आदत के कारण केत छीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर हो कर आए वैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। बद करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। भक्तों की आरत वाणी को सुनकर के वो भक्त वत्सल भगवान रावण से युद्ध करने के लिए मित्रों तैयार हो जाते हैं। जग के राजा ने सागर के तट पर अपने सिर पर जटाजूट बांध लिया, कसकर निसंग पहन लिए, धनुष बाण ले लिया, बलकल का पट कसकर के बांध लिया। आज वो शांत रूप रखने वाले प्रभु आज वीर रूप में आ गए। बिल्कुल ये लगता है कि युद्ध करने की तैयारी है, बस शत्रु आए और युद्ध आरंभ है। बिल्कुल युद्ध के लिए जैसे तैयार हूं, गुस्से के चिन्ह नजर आ रहे हैं चेहरे पर, हल्की सी मंद मंद मुस्कान है और खरी करारी चितवन से आज प्रभु रावण पर दृष्टि जमाए हुए हैं। इतने में हो गया दृश्य और कौर, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। इधर तो प्रभु युद्ध के लिए तैयार हैं और उधर रावण कहीं बकता झकता प्रभु के सामने आ जाता है। अरे आज जब उसने प्रभु का वो सुंदर स्वरूप देखा, यही तो है हमारे राम में विशेषता। अरे अगर शत्रु भी हमारे राम के सामने एक बार आ जाए और उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर ले, तो वो भी एक बार हमारे प्रभु पर मुग्ध हो जाता है। अरे आज जब रावण आया प्रभु राम के सामने, हाथों से धनुष बाण छूट गया। आज जब उसने प्रभु का सुंदर स्वरूप देखा तो मूर्ति के समान खड़ा रह गया। पिछले जन्म का जब ध्यान हुआ तो आज लाभ पर दृष्टि पड़ी। आज वो लहलहा उठा हृदय, आंखों में आज करुणा रस की धार फूटने लगी। लेकिन तब तक प्रभु ने उसके अंदर का ज्ञान खींचा और बैर भाव भर दिया।
पिछली बात भूल गया, ध्यान आ गया, अरे ये तो मेरा शत्रु सामने खड़ा हुआ है। कहने लगा क्या, बोला खेलो ना आग से तुम, अरे आग तुम्हें खा जाएगी। जिन गाड़ी की एक चटक उठी तो प्राणों पर तेरे आ जाएगी। सके न मौन यहाँ बोले धोती यहाँ करती है। सूरज बंसी अंगारे हैं और चिनगारी क्या कर सकती है। आग से मत खेलो वरना ये आग तुम्हें खा जाएगी। लक्ष्मण ने कहा चुप रहो दशानन, अगर तुम चिनगारी हो तो हम सूरज बंसी अंगारे हैं और अंगारों का एक चिनगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात को सुनकर के क्रोध में गर्जा दशानन, तो कहा हिम्मत है तो आ जाओ लड़ो हमसे, आकर के युद्ध करो। रावण से युद्ध का आमंत्रण पा करके भगवान युद्ध करने के लिए उठे। अरे आज वो संसार के मालिक युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी विभीषण ने कहा प्रभु एक बात मेरी सुनो, रावण रथवान है, रथ पर है और आप पैदल, एक रथी को एक पैदल वाला कैसे जीत सकता है नाथ। पैदल वाला एक रथ वाले को जीते असंभव है। प्रभु मुस्कराए, हरे कहा विभीषण, जिस रथ से विजय होती है वो रथ तो कोई और ही होता है, वो दुनिया के दिखावे का रथ नहीं होता है। जानते हो विजयी रथ कौन कहलाता है, और वो रथ हमारे पास है जो रथ होना चाहिए एक वीर योद्धा के पास। विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहता है, रथ कहता है। बाहरी बातों से वो रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ ना नाता है, रखता कुछ ना नाता है। महावीरा कैसे के सुनने वाले मेरे श्रोता प्रेमियों, ये रावण वध का भाग एक चल रहा है। विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहता है, रथ कहता है। कैसेट के सुनने वाले श्रोता प्रेमियों, अगर कभी भी आपको अपने यहां कोई उत्सव में हमें बुलाना है, कोई प्रोग्राम रखना है, तो हमारा पता नोट करें।
नवीन कुमार मिश्रा, नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 26 29 02। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे जितने भी प्रोग्राम या जितनी कथाएं निकल रही हैं वो सब महावीरा कैसेट के द्वारा ही निकल रही हैं। महावीरा कैसेट के द्वारा हमारा महाभारत का सीरियल भी चल रहा है और इतनी कथाएं निकल चुकी हैं, अहिल्या उद्धार, भारत मिलाप, राम सुग्रीव मित्रता, रावण वध, पांडवों की अस्त्र शिक्षा, गंगा विवाह, पांडव जन्म, नवीन भजन संग्रह का भाग एक और भाग दो, दानी हरिश्चंद्र, आदर्श बदला और चंचल कुमारी। तो इन सभी कैसेटों को सुनना आप ना भूलें। विजय होती है जिससे और ही, भारत कहता है भैया रथ कहता है। संयम है सर निर्मल, हृदय तरकस सुहाता है, हृदय तरकस सुहाता है। विजय जिससे होती है और ही, वह रथ कहता है भैया रथ कहता है। सखे जिस पर ये रथ है, सखे जिस पर ये रथ है, वो जगत को जीत जाता है, जगत को जीत जाता है। युद्ध शुरू हो गया राम और रावण का, लेकिन जिस समय रावण ने देखा कि अरे मेरा दुश्मन पैदल आ रहा है, तो उसने क्या किया, रथ उसने भी छोड़ दिया। कहा अगर मेरा दुश्मन पैदल आ रहा है तो मैं ये अधर्म नहीं करूंगा, मैं भी पैदल लड़ूंगा। लेकिन कुछ देर तो रावण पैदल लड़ा, लेकिन पैदल राम के आगे टिक नहीं पाया, फौरन अपने रथ को संभाल लेता है और रथ पर आ जाता है, छोड़ दी इतनी प्रतिज्ञा। लेकिन जब ये देखा कि रावण फिर रथ के ऊपर आ गया, तो देव इंद्र ने, यानी इंद्र ने अपना रथ जो है वो प्रभु राम के लिए भेज दिया। अब राम भी रथी हो गए, घोर घमासान युद्ध होने लगा, पृथ्वी पर कट कट करके लाशें पटने लगी। ये लगता था कि आज यहां पर शमशान साक्षात उतर आया है, भूत बैताल पिशाचियां आज खूब खून पी रही हैं, लग रहा है जैसे आज लहू ही लहू चमक रहा है। जिधर देखो मारो खाओ दौड़ो काटो, इन्हीं आवाजों की आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं। क्षण भर के लिए एक दूसरे के सामने कोई नहीं ठहरता है। असुरों का होने लगा जब भीषण ये संघार, सब मानो तो मृत्यु का
था भैया गरम हुआ बाजार। तो गीधों के झुंड कोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे। काकों के ब्रंदो पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। टुकड़े करती थी बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े पर झगड़े करती थी। और घमासान युद्ध चलता रहा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज जब तीसरा दिन आया भाइयों, तीसरे दिन भी जब राक्षसीय सेना भागने लगी तो ये देख करके आज हमारे रावण को क्रोध आ गया। क्रोध की ज्वाला में दशानन भभकने लगा। आज उसने क्रोध में ऐसे लपलपाते हुए बाण छोड़े, सुग्रीव नील नल अंगद सबको आज मारे घायल कर दिया रावण ने। और मारा एक शक्तिमान, जब लगा शक्तिमान लक्ष्मण के तो लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। आज जब फिर दोबारा आज लगी जब लक्ष्मण को मूर्छा तो प्रभु राम फिर रोने लगे कि हे लक्ष्मण भैया आज फिर मूर्छित हो गए। अरे एक बार तो हनुमान बूटी लेकर तुम्हें बचा चुके हैं लेकिन अब हनुमान नहीं बचा पाएंगे, अब सुखेण वैद्य नहीं मिलेगा। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यू ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर हर बोले कृपा निधान। भगवान रोने लगे पिछली घटना याद करके। एक बार और मूर्छा लग चुकी है लक्ष्मण को। क्या कहते हैं प्रभु राम, अरे भैया क्यों मूर्छा वंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। हर पैरी सन्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। जो सद तुम्हें बताएगा, अरे हनुमत पर इतना समय कहां जो जीवन बूटी लाएगा।
माँ के रघुकुल के छत्री क्या कुल का नाम डुबाएगा। कुछ लाज न तुझे आ रही है, फिर हुआ अचेत सती से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं, ज्यादा बातों का समय नहीं, हर अब मेरी जान जा रही है। लक्ष्मण हो तुम में लहू जो रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। अनीत मैंने नए कुछन भी की हो, तो सत्य बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। लक्ष्मण